नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको गेहूं के आटे से हल्दी वाली जलेबी की रेसिपी बताने वाली हूं। और ये जलेबी आप बगैर इश्क डाले, बगैर दही डाले बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और टेस्टी जलेबियाँ बन के तैयार होती है। सीमा की रसोई यम्मी व सिंपल रेसिपीज का अवार्ड विनर कुकिंग चैनल अभी सब्सक्राइब करें। और ये आधा, तो ये डेढ़ कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिए हैं, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गेहूं के आटे को हम छान लेंगे। गेहूं का आटा छान लिया है, अभी हमने लिए है बेकिंग पाउडर। तो ये एक चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। ये चौथाई चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। साथ में मैंने लिए हैं ये दो नींबू, तो नींबू का रस डालेंगे। अभी इसके बाद में मैंने लिए पानी। तो मैंने ये इस तरह का घोल बनाया है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल पतला भी नहीं है, और इस तरह का घोल बना के तैयार कर लेना है। अभी हम रख देंगे ताकि घोल सेट हो जाए, 15-20 मिनट के लिए रख देना है। अभी लेंगे चीनी एक प्याले, ये दो, और हल्की सी ऊपर चीनी लेंगे। डालेंगे पानी एक कटोरी, तीन कटोरी मैंने पानी डाला है, 2 कटोरी मैंने चीनी डाली है और 3 कटोरी मैंने पानी डाला है। चाशनी बनाएंगे। हम जलाएंगे गैस और कढ़ाई रख देंगे गैस के ऊपर। कुछ मैंने ये इलायची ली है, तो इलायची के दाने निकाल के तैयार कर लेंगे। और ये इलायची के दाने मैंने निकाल लिए हैं और ये चाशनी में डाल दिए हैं। और चीनी घोलने के बाद में 15 से 20 मिनट तक हम चाशनी को पका के तैयार करेंगे। और ये मैंने आधा नींबू लिया है, तो चीनी घोलने के बाद में जब चीनी घुल जाए तब हम नींबू का रस डाल देंगे। और साथ में डालेंगे हल्की सी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। चाशनी हमारी बन रही है, तब तक हम थोड़े से घोल को इस तरह फेंट के तैयार कर लेंगे। थोड़े तो इस तरह थोड़ा थोड़ा बीच में घुमाते रहें, और चीनी घुलने के बाद में 15 से 20 मिनट इस तरह आपको थोड़ा पकाना है ताकि चाशनी अच्छे से तैयार हो जाए। और कलर डालने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं बगैर कलर के हल्दी से ही इतना अच्छा कलर आ जाता है। और हल्दी अपने आप में ही सब गुणों से भरपूर होती है, उसमें जो चीज़ें होती है वो कलर डालने में, अगर आपके लगता है कि कलर ही ज़रूरी होता है तो उसकी जगह आप हल्दी डाल के बना सकते हैं, और आपके ये फायदेमंद होती है, हल्दी आपके फ़ायदा पहुंचाती है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया चाशनी में, और साथ में गोल में बहुत अच्छा कलर आ चुका है। और चाशनी बनाते समय नींबू इसलिए डाला जाता है क्योंकि बाद में जैसे हम जलेबी डालेंगे तो फिर वो एकदम से चीनी बन जाती है, तो एकदम से चीनी नहीं बने, चाशनी पतली रहे, जड़ नहीं रहे, इसलिए हम नींबू डालते हैं चाशनी बनाते समय ताकि वो वापस चीनी ना बने, तो नींबू डालना ज़रूरी होता है नींबू। और ये देखिए चाशनी हमारी बन गई है। आप इस तरह हाथ में ऐसे करेंगे तो चिपचिपा हो जाएगा। तो चाशनी हमारी बन के तैयार है। तार वाली हमें नहीं बनानी क्योंकि हमने नींबू डाला है तो तार उसमें नहीं आएगा, इस तरह चिपचिपा होने शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे।
और ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं गोल हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह का गोल चाहिए तो ज़्यादा पानी भी ना डालें और बिल्कुल गाढ़ापन भी नहीं रखें, इस तरह का गोल करना है आपको। और इसके लिए मैंने लिए एक पॉलीथीन जो कि चीनी के लिए है, बिल्कुल साफ हो थैली लेनी है आपको पॉलीथीन। और इसके बाद में हम गोल को पॉलीथीन में डाल लेंगे। थैली में डाल के तैयार कर लिए हैं गोल को। अभी हम जलाएंगे गैस और इसके ऊपर रख देंगे पैन। तो यहाँ पे मैंने पैन रखा है, इसकी जगह आप कढ़ाई पे ले सकते हैं। और जो भी आप लें तो थोड़ा खुला बर्तन लें ताकि जलेबी बनाते समय अच्छे से बन जाए। और कढ़ाई जो भी लें आप थोड़ी भारी तले की लें, अगर पैन ले रहे हैं तो उसमें जलेबी नहीं चिपकती, अगर पतले कढ़ाई लेते हैं तो उसमें नीचे से भी चिपक जाती है कढ़ाई में। तो आप थोड़ा भारी तले का लें या लोहे की है तो कढ़ाई आप लोहे की ले सकते हैं। और तेल गर्म होने के बाद में गैस की आँच को हम मीडियम कर लेंगे। फुल आँच पर हमें जलेबियाँ नहीं बनाना, मीडियम आँच पर ही हम जलेबी बनाएँगे। हमारा गर्म हो गए हैं, अभी हम गैस की आँच को थोड़ा कम कर लेंगे मीडियम की तरफ। और अभी हम कट लगाएंगे, बारीक के लगाएंगे, ज़रूरत हुई तो हम वापस फिर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा मीडियम ही रखना है। देखिए इतना ही, ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना। और अभी हम बना लेंगे जलेबियाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे। और इस तरह बहुत ही आसानी से जलेबी बन जाती है। और गैस की आँच को आप फुल ना रखें, मीडियम आँच से थोड़ा सा कम में रखें। तो गोल बनाते समय मैंने दही छाछ कुछ भी नहीं डाला, ना ही मैंने यीस्ट डाला। बगैर यीस्ट के, बगैर दही छाछ के भी जलेबियाँ बन जाती हैं। आज को मैंने कम कर रखा है, मंदी आज में ही पकने देंगे ताकि ये कुरकुरी बने। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन रही है, तो अच्छे से पकने देंगे। एक तरफ से पक जाएगी तब हम पलट लेंगे। ऐसा लगे कि एक तरफ से ये अच्छे से पक गई है, थोड़ा सा सिक गई है और थोड़ा कुरकुरा बनाने लग गए हैं। तब आप हल्का सा गैस आँच बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, बिल्कुल हल्की से बढ़ा लेनी है। दोनों तरफ से अच्छे से पकने के बाद में हम पैन से जलेबियों को निकाल के तुरंत चाशनी में डाल देंगे। और एक बार फिर हम गैस को बंद कर देंगे ताकि तेल ठंडा हो जाए। और ज़्यादा देर हमें जलेबी को चाशनी में नहीं रखना, 1 से 2 मिनट ही रखना है। और बाकी जलेबियाँ भी हम इसी तरह बना लेंगे जो हमने शुरुआत में बनाई है। तो जलेबियों में जब हल्का कुरकुरापन आ जाए तब आप हल्का सा गैस की आँच को बढ़ा सकते हैं। पहले आप ना बढ़ाएं और इस तरह थोड़ा जलेबियों को फैला दें, थोड़ा खुला कर दें ताकि इस तरह। और ये देखिए बहुत अच्छी और कुरकुरी जलेबी बन के तैयार होती है। और ये खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चाशनी को फिर गर्म नहीं करना, तुरंत डाल के फिर जलेबियों को निकाल देना है। ज़्यादा देर तक जलेबी को चाशनी में भी नहीं रखना, 1 से 2 मिनट ही हमें चाशनी में डाल के फिर जलेबी को बाहर निकाल देना है। अगर ज़्यादा देर अगर आपने चाशनी में रख लिया तो फिर वो जलेबी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, कुरकुरापन नहीं रहेगा
और जलेबी में जब तक कुरकुरापन नहीं हो तब तक जलेबी का स्वाद नहीं आता। तो चलिए अभी हम इनका पकने का इंतज़ार करेंगे। एक तरफ से पक जाएगी तब हम पलट लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। और मैंने गैस की आंच को कम कर रखा है, आप देख सकते हैं। जब इन कुरकुरापन आ जाएगा तब मैं गैस की आंच को बढ़ाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जलेबियाँ बनके तैयार हुई है और ये बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है और खाने में लगता भी नहीं कि हमने गेहूं के आटे की बनाई है, टेस्ट में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और SKR भी मैंने लिख दिया, सीमा की रसोई, और घर वालों को खिला के मैं चेक करा लेती हूँ कैसी बनी है। और अभी चलिए आगे वीडियो देखिए। ये जलेबियाँ हमारी तैयार है और मेरे पति भी ऑफिस से आ गए हैं और चाय भी हमारी बन के तैयार है और साथ में हम जलेबियाँ खा रहे हैं। तो आप भी ये वीडियो बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको ये कैसे लगी आपको बताएँ। अच्छी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट अवश्य कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा की रसोई यम्मी व सिंपल रेसिपीज़ का अवार्ड विनर कुकिंग चैनल अभी सब्सक्राइब करें। और ये वो कमेंट है जो मेरे पिछले वीडियो की रेसिपी में आए थे, तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आएंगे वो मैं अगले वीडियो की जो रेसिपी होगी उसके नीचे डाल दूँगी। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप चैनल को इसी तरह देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।